सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेगा एवोल्यूशंस के बारे में। और ना ही सिर्फ मेगा एवोल्यूशंस के बारे में बात करूँगा, बल्कि बात करूँगा साइकिक टाइप मेगा इवॉल्व्स के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 साइकिक टाइप मेगा इवॉल्व पोकेमॉन दोस्तों। तो एक चीज़ क्लियर करूँ, इसमें जो कि है मेगा लेजेंडरी साइकिक टाइप्स नहीं है। जी हाँ, लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं है, ओनली पोकेमॉन्स है, लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं है। तो ये लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लेट्स गेट टू द वीडियो। और दोस्तों, अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल पाए दोस्तों। तो चलो यार, बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पोके फैंस, जो पोकेमॉन इस लिस्ट में, जो मेगा इवॉल्व साइकिक टाइप पोकेमॉन इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन डिजर्व करता है, वो है मेगा स्लोब्रो दोस्तों। मेगा स्लोब्रो को इस लिस्ट में इसलिए रखा हो क्योंकि यार, ये अटैकिंग में अच्छा ना हो, बट इसका जो डिफेंस है भाई लोग, वो बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। ये जब ये स्लोब्रो से मेगा स्लोब्रो बनता है, यानी जब ट्रेनर अपना कीस्टोन और स्लोब्रो नाइट जो स्लोब्रो को दिया जाता है यार, उसके बाद जो इवोल्यूशन होता है मेगा स्लोब्रो का, तो भाई लोग उसके पूछ के ऊपर जो शेल बना होता है, जो शेल्डर का जो बड़ा शेल बना होता है, वो शेल के अंदर चला जाता है। आई गेस ऐसा ही कुछ होता है, तुम लोग देख ही सकते हो। तो इसमें होता क्या है, वो अपनी सारी बॉडी पावर उस शेल में डाल के उसे फुल डिफेंसिव टाइप बनाता है। हाँ जाइस, उसे फुल डिफेंसिव टाइप बनाता है, ताकि वो मतलब कौन सा भी अटैक्स को, जो भी सामने से जितना भी बड़ा से बड़ा अटैक आए, वो उसे डॉच करे या फिर उसे फुल्ली डिफेंस करे ज़्यादा डैमेज ना लेते हुए। सो इसी वजह से इसका डिफेंस को ध्यान में रखते हुए यार, मैंने इसको हमारे टॉप 5 मेगा इवॉल्व साइकिक टाइप पोकेमॉन के लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पे रखा हुआ है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा नंबर 5 पे मेगा स्लोब्रो। सो पोके फैंस, बढ़ते हैं अभी हमारे लिस्ट के नंबर 4 की स्पॉट की तरफ दोस्तों। नंबर 4 की स्पॉट पे साइकिक टाइप में जो पोकेमॉन आता है, वो है मेगा अलकाज़म दोस्तों। मेगा अलकाज़म इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यार, सबसे बेस्ट वो दिखने में कमाल है। जी हाँ गाइज, एकदम साधु बाबा रामदेव बाबा जैसे दिखता है यार। और गाइज, मैं इसके पावर के ऊपर मतलब कोई ये नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी ये बेस्ट एवर लुकिंग लुक्स में अगर मैं कह सकता हूँ, तो ये उसमें रैंक करेगा। आई गेस बहुत ऊपर रैंक करेगा, क्योंकि ये जो 5 स्पून्स ही हवा में फ्लोट करता है ना यार, वो ऑसम लगता है यार। और दोस्तों, इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है, या फिर मैं कहूँ एबिलिटी भी कह सकते हैं इसको, कि स्पून्स को टेढ़ा करके सामने वाले पोकेमॉन को डिसेबल करना, इसे एक एबिलिटी भी कह सकते हैं हम मेगा अलकाज़म की। तो दोस्तों, तो सबको पता है, अगर मैं अलकाज़म को मेगा अलकाज़म करना है, तो उसे अलकाज़मनाइट देना पड़ता है, उसके बाद जाके वो मेगा अलकाज़म में विकसित होगा। सो उसके अटैकिंग पावर सब मतलब अलकाज़म के स्टेज से थोड़े तो बढ़ी जाएंगे, क्योंकि वो मेगा इवॉल्व हुआ है। तो दोस्तों, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तुम्हें मेगा अलकाज़म नंबर 4 स्पॉट पर कैसे लगा। सो पोके फैंस, बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 3 के स्पॉट की तरफ दोस्तों। 3 के स्पॉट पे आता है मेगा ग्लेड दोस्तों। मेगा ग्लेड एक ग्लेड या फिर कह सकते हो ब्लेड पोकेमॉन है। जी हाँ, और दोस्तों ये विकसित हुआ है राइल्स से। राइल्स के बाद किरलिया, और किरलिया के बाद आई गेस कोई स्पेशल इवोल्यूशनरी स्टोन होगा जिससे ग्लेड में विकसित होगा, वरना आई गेस कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट होगा कि अगर तुम मेल राइल्स पकड़ते हो, तो वो जाके ग्लेड में विकसित होगा। और जो हमारे गार्डिवर है, वो अगर तुम फीमेल राइल्स पकड़ोगे, तो गार्डिवर में विकसित होगा। पर अब ग्लेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ग्लेड जो है, वो बिलोंग करता है ब्लेड पोकेमॉन के फैमिली से। जी हाँ, वो ब्लेड पोकेमॉन के फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों, वो एक साइकिक और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। जी हाँ, वो एक साइकिक और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जो उसको इस लिस्ट में आगे लाती है, क्योंकि वो एकदम फ्लेक्सिबल टाइप पोकेमॉन है, और उसके अटैकिंग पावर्स और डिफेंसिव पावर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। और आई गेस वो इस स्पॉट पे डिजर्व करता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना तुम्हें मेगा ग्लेड 3 स्पॉट पे कैसा लगा।
सो पोकेमॉन्स बढ़ते लिस्ट के नंबर सेकंड के स्पॉट पे। दोस्तों नंबर सेकंड के स्पॉट पे वही पोकेमॉन है जो कि मैंने नंबर थर्ड के स्पॉट पे बताया था। जी हाँ, मेगा गैलेड नहीं है यार, कंफ्यूज मत होना, वो है मेगा गार्डेवर। दोस्तों सो गार्डेवर एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है और ये फीमेल पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होती है रैल्ट से, यानी फीमेल रैल्ट को अगर तुम पकड़ोगे तो उसके बाद वो किरलिया और फिर उसके बाद डायरेक्टली लेवल 40 पे आई गेस वो लेवल 40 पे गार्डेवर में विकसित होती है एज़ पर द गेम्स। दोस्तों तो गार्डेवर जो है वो एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है और ये एक एकदम ट्रस्टवर्दी पोकेमॉन अगर तुम इसे कह सकते हो। दोस्तों गार्डेवर मतलब एक ऐसी पोकेमॉन है अगर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता एकदम अटूट बन गया ना मेगा इवोल्यूशन के टाइम भी, तो वो पोकेमॉन तुम्हारे लिए जान भी दे देगी, ऐसा एज पर पोकेमॉन के एनिमे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। पर गार्डेवर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल पोकेमॉन है अगर तुम्हें अपनी टीम में रखना है तो वेल एंड गुड, यार साइकिक टाइप में वो भी एक बेस्ट कह सकता हूँ यार, क्योंकि कार्रा सीजन में जो चैम्पियन थी उसके पास भी गार्डेवर था और वो मेगा इवॉल्व हो सकती थी। तो दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें गार्डेवर नंबर टू के स्पॉट पे कैसा लग रहा है। सो पोके फैंस बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर वन पोजीशन के स्पॉट पे। दोस्तों आज के लिस्ट के नंबर वन के पोजीशन के स्पॉट पे जो मेगा इवॉल्व साइकिक टाइप पोकेमॉन है वो है हमारा मेगा मेटाग्रॉस। जी हाँ, मेगा मेटाग्रॉस इस लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन में मैंने रखा है यार, क्योंकि वो एक बीस्ट पोकेमॉन है। बीस्ट मतलब यार पावर से भरा हुआ है यार, और उसके जो लुक्स है यार मेगा इवॉल्व होने के बाद वो भी बहुत कमाल के है। और इसकी जो टाइपिंग है यार मेगा मेटाग्रॉस की वो है स्टील एंड साइकिक टाइप पोकेमॉन, तो यार दोनों फील्ड्स में ये पोकेमॉन बहुत ही कमाल का ऑसम है। और दोस्तों ये बेसिकली पोकेमॉन आता है शिनो के रीजन से और इसका शाइनी फॉर्म भी बहुत ही अच्छा जो कि है हमारे जो कि शिनो रीजन के यप कह सकते हो शिनो रीजन के यप जो तुम सोच रहे हो यार वो हाँ चैंपियन के पास है शिनो या फिर होएन, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं थोड़ा सा मेस्टअप हो चुका हूँ, शिनो या होएन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरे को ज़रूर बताना यार मेटाग्रॉस को इस पोजिशन पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से तो यार मेटाग्रॉस इस लिस्ट के नंबर वन स्पॉट को डिजर्व ज़रूर करता है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सो पोके फैंस पोके बड़ीज यार, तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आज की लिस्ट तुम्हें कैसे लगी वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में तुम लोग और भी साइकिक टाइप्स मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन के नाम कमेंट कर सकते हो, बट यार लेजेंडरीज को मत गिनना, नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स आर ओनली, तो ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें। और ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा यार, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है यार क्योंकि मैं बीमार था। जी हाँ मैं बीमार था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि मैं बीमार हूँ करके, तो अभी मैं ठीक हो गया और मेरा जो कि पीसी सेटअप है वो भी हो चुका है, तो इसी वजह से। और मेरे को ज़रूर बताना कि एडिटिंग कैसी लगी, तो ये फर्स्ट टाइम मैं पीसी पे एडिट किया हूँ वीडियो, तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाकर लाइक करो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ यार ताकि मेरे रिसेंट नोटिफिकेशन मिल पाए और मुझे वही मोटिवेशन मिले। तो होप सो यार तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा, मिलता है तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायनारा, पीस आउट, बाय बाय।